नमस्कार, मैं अनामिका। चलिए जानते हैं बिहार की 25 खबरों के बारे में। बिहार कैबिनेट बैठक में 14 एजेंडों को मिली स्वीकृति। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और कुल 14 एजेंडों को स्वीकृति दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री मांझी बोले, महागठबंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। महागठबंधन की हुई बैठक में नेताओं ने कहा, महागठबंधन अटूट था और रहेगा। लोकसभा की एक सीट और विधानसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 2340 आयुष चिकित्सकों की होगी भर्ती। राज्य में स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए जल्द ही डॉक्टरों की भर्ती होने वाली है। डॉक्टरों की भर्ती की यह संख्या 2340 है। 50% आयुर्वेदिक, 30% होम्योपैथी और 20% यूनानी चिकित्सक की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। पैक्स चुनाव में हुआ बड़ा बदलाव, नई मतदाता सूची होगी जारी। पैक्स की सदस्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन को स्वतः सोसाइटी का सदस्य बनाए जाने के आदेश को खारिज कर दिया गया है। अब मतदाता सूची का निर्माण नए सिरे से किया जाएगा। बिहार सरकार ने निकाली बंपर भर्ती। बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों से 5500 पदों पर भर्ती निकाली है। सभी ग्रेडों पर यह भर्ती होनी है। डॉक्टर से लेकर चपरासी तक की यह बहाली प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ होने वाली है। तीसरे दिन भी अनंत सिंह का कोई समर्थक नहीं आया मिलने। विधायक अनंत सिंह के बेउर में होने के बाद से यहां की निगरानी बढ़ा दी गई है और यहां के नियम काफी सख्त कर दिए गए हैं। बेउर प्रशासन के अनुसार 3 दिनों से उनसे कोई मिलने नहीं आया है। पेड़ों को बचाने के लिए बनेगा फ्लाईओवर। पटना में जाम और भीड़ हटाने का अभियान जोरों पर है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अब फ्लाईओवर, फुट ओवर ब्रिज निर्माण और सड़क चौड़ीकरण का कार्य होगा। किसानों को मिलेगा इंजीनियरिंग व एमबीए पास युवा का सहयोग। बिहार में इंजीनियरिंग और एमबीए पास युवा देहात संस्था के माध्यम से काम करेंगे। इनका उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से मुक्त करना है और उन्हें बीज से लेकर बाजार तक की सुविधा उपलब्ध कराना है। वायु गुणवत्ता वाले नए मॉनिटरिंग स्टेशन होंगे स्थापित। पटना में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 4 नए आउटडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना अक्टूबर तक की जाएगी। एनआईटी पटना, आईजीआईएमएस बापू सभागार और राजधानी वाटिका में इको पार्क के रूप में स्थापित होगी। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, तेरा जादू चल गया। एक बार फिर से पीएम मोदी का जादू शत्रुघ्न सिन्हा पर चल गया है। अपने ट्वीट पर उन्होंने सायराने अंदाज में पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि तेरा जादू चल गया। बिहार में प्रशासनिक तंत्र में हुआ बड़ा फेरबदल। प्रशासनिक तंत्र में बड़े पैमाने पर फेरबदल हुए हैं। 3 प्रमंडल के आयुक्त, 5 जिलों के डीएम एवं 3 डीडीसी के साथ ही 16 आईएएस का तबादला कर दिया गया है। पटना के नगर निगम का आयुक्त अमित पांडे को बनाया गया है। वार्ड अध्यक्ष के मनमानी के खिलाफ जनता ने किया सड़क जाम। समस्तीपुर जिला में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के वासुदेव पंचायत में वार्ड नंबर 1 के काली मंदिर के सामने आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। उनका कहना है कि पूरी पंचायत ही घूस पर काम करता है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। 5 दिनों के अंदर तैयार करे अतिथि लाउंज। मालदा मंडल के प्रभारी डीआरएम पीके मिश्रा ने भागलपुर में पार्सल कार्यालय के पास बनाए जा रहे नए अतिथि लाउंज का निरीक्षण करके कहा, 5 दिनों के अंदर इसे पूरी तरह तैयार करें। लिपि सिंह के बचाव में आगे आए जेडीयू नेता। जेडीयू नेता श्याम रजक ने बाढ़ एएसपी लिपि सिंह के पक्ष में कहा कि स्टिकर लगी गाड़ी का सड़क पर कोई महत्व नहीं होता है। स्टिकर का संकेत सिर्फ बिना रोक के राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा में प्रवेश करना है। इसका अर्थ नहीं कि आप कहीं नहीं जा सकते। संविधान और आरक्षण समाप्त करना चाहती है सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में कहा गया कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को जनता से कोई मतलब नहीं है। ये दोनों मिलकर संविधान और आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश में हैं। बिहार की शिवानी बनी मिस इंडिया। पूसा प्रखंड की मोरसंड गाँव की रहने वाली शिवानी राय इंडिया बिहार 2019 वह मिस इंडिया मोस्ट पॉपुलर 2019 के लिए चयनित हुई है। दिल्ली में डेली उड द्वारा आयोजित फिनाले में चयनित होने के बाद शिवानी को खिताब से नवाजा गया है। सरकार ने नैपकिन की कीमत घटाई।
जन औषधि केंद्रों पर बिकने वाले नैपकिन की कीमत सरकार ने 2.5 रुपए से घटाकर अब 1 रुपए प्रति पैड कर दिया है। ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन अब सुविधा ब्रांड नाम से देश भर में 5500 जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध होंगे। बिना शिक्षकों के ही स्कूल में हो रही पढ़ाई। खगड़िया जिले के एक मिडिल स्कूल जवाहर नगर में शिक्षकों का भारी अभाव का मामला पता चला है। यहाँ के स्कूल में कक्षा 8 में मात्र 4 शिक्षक ही हैं, उनमें भी एक रहते हैं अनुपस्थित, जिसे लेकर छात्रों द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार के भाजपा नेताओं ने कितने सदस्यों को जोड़ा? भाजपा के सदस्यता अभियान के दौरान अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि बिहार में 25 लाख लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम दिया गया था, जिसे पूरे नहीं होने पर सदस्यता अभियान की तारीख बढ़ा दी गई। अब पार्सल पहुंचेगा मात्र 1 घंटे में। अब पटना के डाकघर से पार्सल मंगवाना आसान हो चुका है, क्योंकि इसके लिए डाकघरों में डाकिया पार्सल को तैयार करने के साथ ही जीपीओ में पिकअप वैन और मोटरसाइकिल भी तैयार किए जा रहे हैं। अमिताभ ने जब कहा हमारे जमाने में पिता से सिर्फ 2 रुपए मिलते थे। अमिताभ बच्चन ने केबीसी 11 के शो के दौरान मध्य प्रदेश के नितिन कुमार पटवा से आखिरी बातचीत के दौरान उन्होंने नितिन से पूछा उनकी पॉकेट मनी कितनी मिलती है और वे जीते गए पैसों का क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा जीते पैसों से वे अपनी माँ का ऑपरेशन करवाएंगे। उन्हें पिता से पॉकेट मनी 50 रुपए मिलते थे, जिसके दौरान अमिताभ ने कहा कि उन्हें खर्च के लिए सिर्फ 2 रुपए मिलते थे। दूसरे टेस्ट के लिए वेस्ट इंडीज की टीम की हुई घोषणा। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 318 रन से हरा दिया था। अब भारत और वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज का अंतिम टेस्ट मैच शुक्रवार को खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज इस दौरे में अभी तक भारत के खिलाफ एक भी मैच नहीं जीत पाई है। पेयजल सहित शौचालय जल की भी निगरानी की जाएगी ऑनलाइन। मुजफ्फरपुर स्टेशन सहित सोनपुर मंडल के 8 बड़े स्टेशनों पर पेयजल एवं शौचालय जल की निगरानी के लिए व्यवस्था शुरू की गई है। इसकी साफ सफाई के लिए ऑनलाइन जियो टैगिंग सिस्टम की शुरुआत की गई। बढ़ी फीस के विरोध में किया बवाल। मगध महिला कॉलेज में सेकेंड और थर्ड ईयर की फीस बढ़ाने को लेकर आयशा कार्यकर्ताओं ने मगध महिला कॉलेज के प्राचार्य का घेराव किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य पर मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल किया। अब जानते हैं मौसम के बारे में। औरंगाबाद, भागलपुर, फारबिसगंज, गया, पटना, पूर्णिया, राजगीर, सुपौल, मधुबनी, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में धूल भरी हवा चलेगी, बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना है। अभी के लिए इतना ही। बिहार की ताजा खबरों से अपडेट होने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।